8 बजे है और मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। आज एक्चुअली मेरी ओपीडी एंड एमरजेंसी दोनों है, तो काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। अभी हम लोग जो है वाइटल्स लेना ट्रॉमा आईसीयू से शुरू करते हैं। तो ये मेरा को इंटर्न है और ओपीडी 10 बजे से शुरू होती है, तो हमें उसके पहले सारे फाइल्स में वाइटल्स डालना होगा। अभी हम लोग सर के साथ दूसरे वार्ड में जा रहे हैं बाकी पेशेंट्स को देखने। एक्चुअली हमारा काम यहाँ पे होता है, ये जितने आउट पेशेंट हैं उनकी एंट्री करनी होती है यहाँ के ओपीडी रजिस्टर में, तो सर के आने से पहले हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। अभी ओपीडी ख़त्म हो चुकी है और मैम ने जो भी एडमिशन्स किए हैं उन पेशेंट को लेके मुझे वार्ड में जाना है, उनको उनके बेड पे शिफ्ट करना है। बेड अलॉट हो गया है और अभी मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशंस इनके सेंड करने हैं लैब में, तो देखते हैं। हमने ब्लड निकालने की कोशिश की बट हम नहीं निकाल पाए, तो हमें अब इन लोग को लेके पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। बाद मैं लंच करने आ गई थी रूम पर, क्योंकि मुझे वापस से ओपीडी के बाद इमरजेंसी जानी थी, तो मुझे लंच का टाइम दिया गया था 30 मिनट। सो अभी मैं वापस से इमरजेंसी जा रही हूँ और अभी टाइम आई थिंक इट्स 4 PM।
पे ही एक्चुअली सर ने मेरे को काम दिया है फाइल भरने की, मतलब जितने एडमिशन होते हैं सबकी फाइल्स भरनी पड़ती हैं एंड बेसिकली सारी पूरी फाइल कंप्लीट करनी पड़ती है, हिस्ट्री एंड ऑल दैट। मेरा चाय पीने का मन कर गया है तो फिर मैं कैंटीन जा रही हूँ एंड इट्स आई थिंक 5:30 PM। और यहाँ पे रैंडमली मुझे कोई मिल गया है तो इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अरे यार प्ले नहीं किए थे, हम लोग का डिपार्टमेंट बंद हो गया, परसों खुलेगा। क्यों, छुट्टी है? अच्छा कंसल्टेंट नहीं आते हैं? यही ना, तब प्रधान सर तब बता देंगे। कहाँ गए? फैमिली ट्रिप पे। अब मेरे को जल्दी से वार्ड का काम खत्म करना है। सर ने मेरे को एक सैंपल निकालने को बोला है तो मोस्टली आई थिंक इसके बाद अब हमें कोई काम नहीं मिलेगा। कुछ पेपर वर्क बाकी थे तो इसको करके मैं फाइनली अब हॉस्टल जाऊंगी वापस। तो अब मैं फाइनली हॉस्टल जा रही हूँ और ये था आज का शेड्यूल। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye. And if you like this video, like, comment, and subscribe my channel. Bye bye.